वेलकम टू पनीशिया। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 13 अक्टूबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्प्लेंडर लॉरेल सेंचुरी। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कुआफू फर्स्ट। 13 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड साइट डे। इंडियन नेवल शिप INS तरकश रीचेस साउथ अफ्रीका इन IBSAMAR 7th. 36th national game concluded on 12 October. Roger Winnie set to replace Saurabh Ganguly as BCCI president. ISSF World Championship shotgun, India stands 5th. Panacea Tutor लाया है एक education platform जहां पर अलग अलग courses जैसे कि IAS, PCS, UGC NET, SSC और banking exams के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। सो जॉइन Panacea Tutor फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इंडिया की पहली स्लेंडर लॉरेल सेंचुरी के बारे में, जो कि एस्टैब्लिश होने वाली है इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बनेगी आपकी ये पहली सेंचुरी, जो पर्टिकुलरली एक स्पीसीज जिसका नाम है स्लेंडर लॉरेल, इसके लिए बनाई जा रही है। स्लेंडर लॉरेल एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसके लिए ये सेंचुरी जो बनाई जा रही है इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ काकोर एंड डिंडीगुल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर इन दोनों के एरिया को कलेक्टिवली ज्वाइन करने के बाद एक सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा काडावर स्लेंडर लॉरेल सेंचुरी। टोटल इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कंबाइन करने के बाद इस सेंचुरी का एरिया बन जाएगा 11,806 हेक्टर तक का, यानी 11,806 हेक्टर फॉरेस्ट एरिया को कवर करके ये सेंचुरी बनाई जाएगी। स्लेंडर लॉरेल एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। किसकी? मैमल्स की ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिन्हें बेसिकली माना जाता है इंसेक्टिवोरस एंड नॉक्टर्नल प्रिमिटिव। इन्हें रहने के लिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, दैट इज कनेक्टेड ट्रीज, जो प्रोवाइड करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर सेंचुरी में। स्लेंडर लॉरेल क्योंकि एक एंडेंजर्ड कैटेगरी है मैमल्स की, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है बाय फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है चाइना ने जो लॉन्च किया है सन ऑब्जर्वेटरी, उसके बारे में, जिसका निक नेम रखा गया है कुआफू फर्स्ट। चाइना ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसका नाम है एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी ASOS, जिसे निक नेम दिया गया है दैट इज कुआफू फर्स्ट। इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पहले के टाइम पे जो सन की इमेजेस नहीं ली जा पा रही थी, अब वो भी ये टेलीस्कोप ले सकता है। जितनी भी पुरानी आपकी अनकैप्चर्ड पिक्चर्स हैं उन्हें ये फोकस करेगा। इसके अलावा इट विल ऑब्जर्व द सोलर मैक्सिमम। सोलर मैक्सिमम का मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन सोलर रिएक्शंस आर अज्यूम्ड टू बी एट द टॉप, एंड इट इज अज्यूम दैट सोलर मैक्सिमम्स कम्स अराउंड 2025। तो उसके लिए चाइना ने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लिया है, और जहाँ पे चाइना ने अपना पहला सोलर टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप होगा, ये ऑब्जर्व करेगा सन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ 720 किलोमीटर अबव अर्थ लेवल। अर्थ के सरफेस से 720 किलोमीटर ऊपर जाकर ये सन को ऑब्जर्व करने वाला है। इस तरीके का ही एक मिशन इंडिया भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, और इंडिया ने ये प्लान किया है कि वो नेक्स्ट ईयर यानी कि आगे आने वाले साल 2023 में अपना मिशन जो है वो लॉन्च कर देगा, जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड साइट डे के बारे में, जो पूरे वर्ल्ड में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाएगा वर्ल्ड साइट डे, और इस बार जो ये सेकेंड थर्सडे आया है दैट इज ऑन डेट 13 अक्टूबर। मेन एम क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का? टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट
एंड ब्लाइंडनेस, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाना ही इस दिन का मेन एम रखा गया है। सबसे पहले ये दिन स्टार्ट कब किया गया था? इट इज इनिशिएटेड बाय साइट फर्स्ट कैंपेन ऑफ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन इन 2000 में पहली बार इस फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड साइट डे। इस बार 2022 के लिए जो ये दिन मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है लव योर आईज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है IBSAMAR और जिसका 7th एडिशन अब ऑर्गेनाइज हुआ है इन ईयर 2022। मैरिटाइम एक्सरसाइज में कौन कौन से नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम इसकी एब्रीवेशन से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसका जो नाम है दैट इज IBSAMAR, तो I स्टैंड्स फॉर इंडिया, B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील एंड SA स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो यही तीन कंट्रीज जो है, यही तीन नेशन मिलके जो मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, इनका नाम है IBSAMAR, जिसका 7th एडिशन अभी अभी करवाया गया है। मैरिटाइम एक्सरसाइज है, तीनों नेशन की नेवीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इंडिया नेवी की तरफ से INS तरकश ने अपना डिस्टेंस कवर किया है टिल पोर्ट एलिजाबेथ ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ तक गया INS तरकश। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से जिस जिसने रिप्रेजेंट किया उनमें एड ऑन होते हैं ते क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर एंड पर्सनेल फ्रॉम मरीन कमांडो फोर्स। मरीन कमांडो फोर्स के कमांडर्स ने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। मेन एम क्या है इस तरीके की एक्सरसाइजेस को करवाने का? टू स्ट्रेंथन मैरिटाइम सिक्योरिटी। आपस में इन तीनों नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप किया जा सके, इसके अलावा मैरिटाइम सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके एंड जो मैरिटाइम थ्रेट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली कैसे फेस करना है, इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। इससे पहले जो इसका प्रीवियस एडिशन था, यानी कि इसका 6th एडिशन, वो करवाया गया था इन ईयर 2018। 2018 के बाद सीधा 2022 में इस एक्सरसाइज को दोबारा कंडक्ट करवाया गया है एंड लास्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन सिमंस टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 36th नेशनल गेम्स के बारे में, जो कंक्लूड हो गई हैं ऑन 12th अक्टूबर। 12th अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी सेलिब्रेट की गई है इन सूरत, गुजरात। तो आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ 36th नेशनल गेम, हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 36th एडिशन थीम क्या था इस बार का? इस बार का थीम था यूनिटी फॉर स्पोर्ट्स। चेयरमैन जो कि प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनकर। टॉप किसने किया है इस प्रॉपर पूरे के पूरे नेशनल गेम्स में, जिन्होंने टॉप किया है वो है सर्विसेज, यानी कि सेवा मेडल्स। सेवा और सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं, टोटल 128 मेडल्स, जिसमें से 61 गोल्ड मेडल्स हैं। सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक्वायर किए हैं 140 मेडल्स, जिसमें से गोल्ड हैं आपके 39 मेडल्स। थर्ड पोजीशन पे है हरियाणा। हरियाणा ने लिए हैं 115 मेडल्स, जिसमें से हैं 38 गोल्ड मेडल्स। एंड 36th नेशनल गेम्स में बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है साजन प्रकाश को, जो कि इंडियन स्विमर है एक। इसके अलावा बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है हर्षिका रामचंद्रन को, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ये भी स्विमर हैं, हर्षिका रामचंद्रन। 36th नेशनल गेम के कम्प्लीशन के बाद क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे ही ये अनाउंस हुआ कि जो 37th नेशनल गेम होगा, जो कि अगले साल 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा, वो होस्ट करेगी स्टेट गोवा। ये हमारे सामने पूरी लिस्ट है कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। सबसे पहले सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने टोटल 128 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें 61 गोल्ड मेडल्स थे। आफ्टर दैट महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, 6th पोजीशन पे है केरला एंड 10th पोजीशन पे है पंजाब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है BCCI के प्रेसिडेंट के बारे में। अब तक जिन्होंने BCCI की प्रेसिडेंसी को अपने पास रखा हुआ था, उनका नाम है सौरभ गांगुली, जो 2019 में BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए थे। अब ये अनाउंसमेंट की गई है कि इन्हें हटाकर अगले जो प्रेसिडेंट बनेंगे, इनका नाम है रॉजर बिनी। रॉजर बिनी क्रिकेट के साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड हैं और इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था इन ईयर 1983, उसमें जो इंडिया की विनिंग स्क्वाड थी उसका भी पार्ट रह चुके हैं रॉजर बिनी। ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि मुंबई में जब BCCI के एनुअल मीटिंग होगी, उसके बाद यानी 18 अक्टूबर से रॉजर बिनी BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे।
इसके अलावा बीसीसीआई के जो इस टाइम के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जय शाह, वही आगे भी सेक्रेटरी रहने वाले हैं, सेक्रेटरी को चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो इस टाइम के प्रेजेंट वाइस प्रेजिडेंट हैं जिनका नाम है राजीव शुक्ला, वो भी आगे कॉन्टिन्यू करने वाले हैं। बीसीसीआई के बारे में अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखें तो इसका हेडक्वार्टर है इन मुंबई एंड बीसीसीआई फाउंड हुआ था इन दिसंबर 1928। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन के बारे में। ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया ने एक्वायर की है 5th पोजीशन। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है ये टूर्नामेंट? इनका वेन्यू है ओजेजेक, जिस प्रॉपर टेली में इंडिया आया है 5th पोजीशन पे विद अचीविंग 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। टॉप पोजीशन एक्वायर की गई है बाय इटली, सेकेंड नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन एंड थर्ड नंबर पे है कंट्री USA। इसके साथ साथ टोटल 22 टीम्स में से इंडिया की मेन्स स्की टीम जिनके प्लेयर्स के नाम हैं गुरजोत खानगुरा, मायराज अहमद खान, अनंत जीत सिंह नरुका, इन तीनों ने एक्वायर किया है 9th पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 13 अक्टूबर 2022। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।